हेलो फ्रेंड्स, ये मारुति अल्टो BXi है। फ्रेंड्स, ये कार जो है, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं सेल्फ लगा रहा हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं सेल्फ लगा रहा हूँ। इंजन बराबर जो है राउंड ले रहा है, लेकिन जो है हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप इसके मीटर में देख सकते हो, इसका इश्यू लाइट भी आ रहा है और इसका इमोबिलाइजर लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो इस हमारे इश्यू के कनेक्शन में इमोबिलाइजर में जो है कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो क्लियर है। हमारा मीटर एकदम जो है नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। यहाँ पे आप फ्यूल का लेवल भी देख रहे हो, फ्यूल भी बता रहा है। और जब मैं चाबी को ऑन करता हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे साउंड सुनाई दे रहा है। जो इसका फ्यूल पम्प मोटर है, उसका साउंड हल्का सुनाई दे रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें फ्यूल भी है और फ्यूल पम्प मोटर भी चल रहा है। तो पेट्रोल की सप्लाई जो है इंजन तक हो रही है, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखने वाले हैं। बस विमान बस फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका सेल्फ जो है काम कर रहा है और जो है इंजन बराबर राउंड ले रहा है, फिर भी जो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें जो है इसका एयर फिल्टर खोल लेना है। इसका एयर फिल्टर खोल लिया है फ्रेंड्स। अब जो है हमें क्या चेक करना है, मैं चाबी ऑन करता हूँ तो मुझे फीलिंग हो रही है कि इसमें जो है पेट्रोल आ रहा है। ओके, तो उसके बाद हमें क्या चेक करना है फ्रेंड्स, इसके जो प्लग पे करंट चेक करना है और इंजेक्टर का पल्स चेक करना है कि इंजेक्टर पे करंट आ रहा है कि नहीं, प्लग पे आ रहा है कि नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने ये जो है सीरीज लैंप बनाया है, इस तरह आप भी बना सकते हो, या फिर आप जो है ये फ्रेश बल्ब है, इसे भी जो है लगा के आप जो है करंट चेक कर सकते हो। इसे कपलर निकाल के जो है ये, और यहाँ पे इस तरह जो है आप लगा के जो है करंट इसका चेक कर सकते हो। जब आप इस तरह लगा के यहाँ पे स्लम मारेंगे तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, इस तरह चलेगा कि इस पर जो है करंट आ रहा है। लेकिन मैं आप इस तरह चेक कर सकते हो, लेकिन अभी जो क्या है ना, इसके इसका वायर जो है यहाँ पे कटा हुआ छीला हुआ है, और करीबन इसका वायर यहाँ पे जो है पहले से कटा हुआ छीला हुआ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैंने बनाया है तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ इसके इंजेक्टर पल्स पे। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने इसका जो है लाइट का दोनों तार जो है इंजेक्टर के वायर पे लगा दिया है। उसके बाद अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये वायर मैंने लगा दिया, अब हमें क्या करना है, स्लम मारना। स्लम मार बाहर के बाद जो हमें इसका प्लग पे जो है करंट चेक करना है। ये प्लग लीड को हमें निकाल देना है इस तरह, और ये इसको ड्राइवर जो है इस तरह अंदर डाल देना है इसके, और उसके बाद जो है यहाँ पे लगा के हमें स्लम मारना है। स्लम मार स्पार्क प्लग में करंट जो है बहुत हल्का आ रहा है, एकदम बहुत, मतलब बहुत ही हल्का, इतना आ रहा है कि इतने में हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट ही नहीं होगी फ्रेंड। तो उसके बाद हमें क्या चेक करना है, ये जो कॉइल है फ्रेंड, ये कॉइल इसका वायर जो है यहाँ पे लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर कॉइल के बीच में, इसे हमें निकालना है फ्रेंड। उसके बाद जो है हमें इस तरह जो है हमें प्लास से जो है इस तरह लगा के स्लम मारना है। स्लम मार तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये कॉइल जो है बराबर करंट जनरेट कर रहा है फ्रेंड्स। इसका मतलब जो है यहाँ पे जो है बराबर करंट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर तक, यहाँ तक जो है बराबर करंट आ रहा है। लेकिन जब यहाँ से सप्लाई होता है प्लग के लिए, तो प्लग के जो ये प्लग लीड है यहाँ पे जो है बराबर करंट आ नहीं रहा है, बराबर स्पार्क हो नहीं रहा है फ्रेंड्स। बहुत हल्का करंट आ रहा है, इतना मतलब इतना स्पार्क हो रहा है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जब बराबर स्पार्क करेगा स्पार्क प्लग, यहाँ पे बराबर करंट आएगा तभी हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ तक तो करंट बराबर आ रहा है। ओके, यहाँ तक करंट बराबर आ रहा है। अगर यहाँ पे ये कॉइल अगर जो ये कॉइल अगर जो यहाँ पे करंट नहीं आएगा, तो फ्रेंड्स तो उसके लिए हमें जो है इसका जो है वायरिंग चेक करना होगा, ये वायर चेक करना होगा, ये खराब हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम। लेकिन जब यहाँ तक बराबर यहाँ तक जो है बराबर करंट आ रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर कैप है ये चेक करना है। ओके, कि ये बराबर सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स उसे मैं खोलूँगा, ऑटोमैन का पाना है यहाँ पे लगेगा इस तरह। पहले हम जो है
लूज कर लेंगे। जो है लूज कर लिया फिर उसके बाद जो है इसको ड्राइवर से खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो है इसको डिस्ट्रीब्यूटर खोल लिया है, ये वायर हम निकाल देंगे। ये वायर जो है हमने निकाल दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये तो सही है, यहाँ पे हल्का फुल्का कार्बन है, लेकिन ये जो बीच में पॉइंट होता है फ्रेंड्स, ये बीच में ये पॉइंट जो बीच में होता है ये एकदम खत्म हो चुका है, जीत चुका है। ये जो कॉइल्स है इधर, ये कॉइल्स है, इस कॉइल से जो करंट आता है यहाँ पे, ये यहाँ पे लगता है बीच में, ये जो है यहाँ से यहाँ सप्लाई देता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, लेकिन ये घिस चुका है बैंक का। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इस तरह लगता है, और ये जो है ये रोटेट होता है, ये यहाँ पे ये जो इस पे होता है इससे कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे, तो ये रोटेट होता है, तो बारी बारी से टाइम 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 टू टाइम जो है हमारे स्पार्क प्लग को करंट मिलता है। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, और ये हमारे पास दूसरा पैक है डिस्ट्रीब्यूटर पैक, जो कि मेरे पास दूसरा प्लग हुआ था, इसका भी आप देख सकते हो, ये पूरा बराबर है, ये आप देख सकते हो, ये पुश अप भी हो रहा है, इसका मतलब ये सही है, ये इससे जो है अटैच हो जाएगा, तो ये भी परफेक्टली काम कर जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये मैं दूसरा डाल रहा हूँ, मेरे पास था, तो ये इसका पॉइंट आप देख सकते हो, ये किस तरह ये पुश अप भी हो रहा है, मैंने इसके कार्बन को भी हटा दिया यहाँ से, हल्का फुल्का जो कार्बन था, और ये आप जो इसमें लगा था वो इसे भी देख सकते हो, ये इसका क्या पोजिशन है, ये आप देख सकते हो, इस पुशअप भी नहीं हो रहा, ये एकदम खत्म भी हो गया, और आप इसे देखो, इसी वजह से जो है इस तरह प्रॉब्लम आ रहा था फ्रेंड्स। इसका जो ये पॉइंट है ये ना, ये इस पर बराबर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो है हमें बराबर करंट नहीं मिल रहा था स्पार्क प्लग को। ये आप देख सकते हो, इसकी पोजिशन देख सकते हो और इसकी पोजिशन देख सकते हो ये, और ये पॉइंट जो है ये इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो है हमारे प्लग को बराबर करंट नहीं मिल रहा था, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी फ्रेंड्स। तो अब हम इसे जो है चेंज करेंगे, ये वाला डालेंगे, ये खराब है, तो इसके अलावा हम यहाँ इसका पॉइंट भी थोड़ा क्लीन कर देंगे इसको, इसके ड्राइवर से इस तरह, ये वरिंग है, वरिंग इसलिए हम लगाते हैं फ्रेंड जो है इसमें पानी ना जाए डिस्ट्रीब्यूटर में, अगर जो पानी जाता है फ्रेंड तो प्रॉब्लम आ जाता है, गाड़ी में मिसिंग आ जाती है, या फिर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी और इसमें पानी आएगा। तो उसके बाद हमें जो है इसे इस तरह आराम से बिठा देना है, और उसके बाद हमें ये जो है यहाँ पे ये कट बना हुआ है यहाँ पे, और करीब करके देखा, ये फ्रेंड्स इस तरह जो है ये कट बना हुआ है, ये वाला निशान यहाँ पे रख के ये उल्टा नहीं लगेगा, ये अपने जगह पे ही बैठेगा। तो उसके बाद फ्रेंड हमने इसे पूरा बिठा लिया, उसके बाद जो है हमें ये कट आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा ये इधर रहेगा इस साइड, ये यहाँ पे इस तरह बैठेगा, आप इस तरह बैठाएंगे तो उल्टा ये बैठेगा नहीं, इसका जो सेंटर होल का ये बराबर आएगा नहीं, तो हमें ये इस तरह बिठाना है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो है परफेक्टली बैठ गया है। तो अब हम जो है इसके फ्यूज को लगा देंगे, है ना, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूटर पैक भी चेंज कर दिया है, मैंने इसे जो है कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स अब बारी है हमें इसके वायर्स को लगाने के, तो फ्रेंड्स मैं पहले इसे यहाँ पे बिठा दूँ, तो मैं आपको बता दूँ कौन सा वायर किस लीड पे लगेगा। ओके, क्योंकि अगर जो गलत हम लीड लगा देंगे, ओके गलत अगर जो लीड लगा देंगे तो क्या होगी, हमारी गाड़ी मिसिंग करेगी और फट फट की आवाज़ करेगी, और गाड़ी पिकअप लेगी नहीं, या फिर स्टार्ट ही नहीं होगी, मिसिंग रहेगा बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये है नंबर वन, ये है नंबर टू, नंबर थ्री, ठीक है। तो नंबर वन का जो पार्क लीड है ये वाला,
ये वाला जो लीड है ये नंबर वन प्लग का है, तो नंबर वन यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नंबर भी पड़ा रहता है। ओके, यहाँ पे नंबर भी पड़ा रहता है, आप देख के लगाना। नंबर वन ये हो गया, जो सबसे नीचे है यहाँ पे ये नंबर टू है, ये वाला प्लग जो नंबर टू है वो उसका यहाँ पे लगेगा। तो इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और ये लीड जो है ये इसका है नंबर थ्री, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, और उसके बाद जो है हमें बीच में लगाना है ये जो कॉइल से, जो कॉइल से होके लीड आता है डिस्ट्रीब्यूटर पे, ये बीच में हमें लगा देना है। उसके बाद जो है हमें जो है गाड़ी स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस, इसका प्रोसेस जो है ओके है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कर।